हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल पर्पल फोलिएज वाला प्लांट ऑक्सैलिस ट्रायंगुलारिस का है। इसको बटरफ्लाई प्लांट भी कहते हैं, इसको पर्पल शैमरॉक भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। बहुत ही खूबसूरत एक ये बल्बस प्लांट है। इसके बल्ब्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोन की शेप में होते हैं, ईजिली ग्रो करता है। ये पेरिनियल प्लांट है जो आपके पास थ्रू आउट द ईयर रहेगा। समर्स में, जैसे स्प्रिंग के बाद जब गार्डन में कोई कलर नहीं होता, फ्लावर्स कम हो जाते हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जाने लगते हैं, तो ये आपके गार्डन को खूब सारा कलर देगा। अगर आपकी छत पे, बालकनी में, टेरेस में थोड़ी कम धूप आती है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके गार्डन के लिए, जो आपको फ्लावर्स भी देगा और फोलिएज इतने ब्यूटीफुल कलर के कि फ्लावर्स को भी ये पीछे छोड़ देता है। कई बार इतना प्रिटी लगता है। ये देखिए, मैंने ये कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं। ये एक छोटे से छोटे कंटेनर में भी हो जाता है, कई लोग इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा लेते हैं। मैंने तो 3-4 जगह लगा रखे हैं। और ये अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको ये मिल जाते हैं। कोन शेप्ड जो बल्ब्स हैं ये करीब 30 रुपीज़ ईच या 20 रुपीज़ ईच ऐसे मिल जाएंगे। नर्सरीज में भी कई बार मिल जाते हैं। और इनको आप छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कितने छोटे कंटेनर में लगाया हुआ है और ये इजीली ग्रो कर रहा है। तो ये ज़रूर मंगा लीजिए ऑनलाइन भी, या कहीं नर्सरी में जाके या सीड शॉप से। ये कलर देगा आपके गार्डन को, और धूप थोड़ी कम भी हो तब भी इनमें फ्लावर्स भी आते हैं। ये अभी मॉर्निंग टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, चिड़िया भी चहचहा रही हैं और ये अभी बंद है। और इनफैक्ट शाम तक मैं आपको पिक डाल देती हूँ अभी इसके बाद थोड़ी सी देर में, कि कैसे ये लीव्स भी इसकी बंद हो गई थी और फ्लावर्स भी बंद हो गए थे। और दोपहर में जैसे ही धूप निकलनी शुरू होती है, सनलाइट तेज़ होती है, इसके फूल खिल जाते हैं। फूल तो बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, पिंक से कलर के, मोविश पिंक कलर के, और ये रात को बंद होने शुरू हो जाएंगे। लीव्स भी ऐसे करके फोल्ड हो जाती हैं। ये इसकी खूबी है इस प्लांट की। ये दिन की पिक्चर है जब लीव्स भी ओपन है और फ्लावर्स भी ओपन है, और ये रात के पिक है जब लीव्स सारी फोल्ड हो गई हैं और फ्लावर्स भी बंद हो गए। और केयर इतनी सिंपल है, मैं आगे चल के इसकी पूरी केयर बताती हूँ। और आपको स्टेट इन द एंड मैं आपको एक पिक भी दिखाऊंगी, छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगी इसकी, लास्ट जुलाई में क्या हाल हो गया था। जुलाई में सारी लीव्स इसकी ख़त्म हो गई थी और ये प्लांट ऐसा लगता था जैसे ख़त्म हो गया है। अगर आपका भी कभी ऐसे प्लांट लगे कि इसकी सारी लीव्स ख़त्म हो गई हैं, आप उसको कुछ डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मिट्टी में मिला के डाल दीजिए और इसमें अपने आप ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये प्लांट बल्बस प्लांट है तो इसको बोन मील बहुत पसंद है। ये जुलाई का क्लिप देखिए, इसमें मैं गार्डन सॉइल और बोन मील मिला के लाई हूँ, क्योंकि ये थोड़े से एक्सपोज हो रहे हैं, तो बस इसको थोड़ा सा डाल दूंगी ऊपर, इसमें भी डाल दूंगी थोड़ा। अब इसमें दोनों में वॉटरिंग करूंगी। ये जो ग्रोथ देख रहे हैं आप, ये 10 दिन बाद है, थोड़ी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो जुलाई से आज तक का इसका सफर ऐसा रहा। आइए दूसरा पौधा भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसा हो रहा है, आइए देखते हैं। ये दूसरा पॉट है, ये भी आपको जुलाई में दिखा था कि इसमें कितनी कम लीव्स रह गई थी, और इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर डाला था मिट्टी में मिला के, और इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और ये कलर दे रहा है गार्डन को। बहुत इजीली ग्रो कर गया, कोई खास केयर की जरूरत नहीं है। स्टैंड पे मैंने सारे ही रख रखे हैं, रीजन बीइंग कि जब ये बल्बस प्लांट है तो इसकी वॉटरिंग का बहुत ध्यान रखना है। वाटर तभी करें जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए। अगर इसमें स्टैंडिंग वाटर रहता है तो इसके जो छोटे छोटे
इतने छोटे होते हैं वो। ये इसके बल्ब्स हैं, एक चार बल्ब्स हैं इसके। और ये देखिए, ये ऊपर से यहाँ पर इसका स्टेम निकलेगी, ये ऐसे प्लेस करना है। तो इतना छोटा इसका बल्ब होता है, और अगर पानी में रह गया तो ज़रूर रूट रॉट से वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर स्टैंड पे रहा तो चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ड्रेनेज अच्छा हो जाता है इसमें। तो वेल ड्रेनिंग सॉइल भी ले, वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए आप ले सकते हैं एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट में आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, वर्मी कम्पोस्ट डाल सकते हैं, काउडंग मेन्योर डाल सकते हैं, या कंपोस्ट, अगर काउडंग मेन्योर डालते हैं तो वेल कंपोस्टेड होना चाहिए। और एक पार्ट लीफ मोल्ड डाल सकते हैं, एक पार्ट आप इसमें सैंड डाल सकते हैं, और एक पार्ट इसमें आप कोकोपीट डाल सकते हैं। इससे आपकी बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल होगी। अगर लीफ मोल्ड नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइड लीव्स आप इसके जो ड्रेनेज होल है, ड्रेनेज होल के ऊपर आप थोड़ी सी एक इंच की लेयर लगा सकते हैं। आपके गार्डन से निकली हुई ही सूखी पत्तियाँ वो कंपोस्ट होती जाएंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज भी नहीं किया तब भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें फर्टिलाइज़र की है कि इसको बहुत हाई फीडर नहीं है, कभी मैं इसमें डाल देती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, कई बार वो लिक्विड डाल देती हूँ। कई बार अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है मैंने, जैसे फरवरी और अक्टूबर में, वो तो डालती ही हूँ। इसके अलावा कई बार बोन मील थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ। इन्फेस्टेशन इसमें रूट रॉट की तो होती ही है, और कोई खास इसमें इन्फेस्टेशन होती नहीं है। अगर है तो आप चेक करते रहिए इसको, और अगर है तो आप नीम ऑयल स्प्रे करके इसको वॉश आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे होती है। प्रोपोगेशन जैसे मैंने कहा, इसके बल्ब्स अवेलेबल हैं, उससे आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा गमला है तो आप डिवाइड कर सकते हैं उसको इजीली। और इसका गर्मियों में अगर पत्तियाँ थोड़ी डाई डाउन कर जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हैं या अपने आप ग्रो बैक करते हैं। इसकी लोकेशन आप ऐसे रखिए जिसमें गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट ना हो, थोड़ी शेड हो हल्की, और सर्दियों की धूप तो ये लाइक करता है, अच्छी धूप में भी इतनी हीट नहीं होती है विंटर्स में, तो आप ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। आई होप आपको ये ऑक्सैलिस का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।